दोस्तों अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यूज करते रहते हैं जिनके लास्ट में चाहूंगा, चाहेगी या फिर चाहेगा, इस तरीके से वर्ड्स निकल के आते हैं सेंटेंसेस के लास्ट में, और उनका हम लोग बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही आसानी से उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं वुड लाइक टू का यूज करके। सो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड लाइक टू के बारे में, यूज ऑफ वुड लाइक टू, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उनको सेंटेंसेस में अप्लाई करके फिट कर सकते हैं और ट्रांसलेशन वगैरह को बहुत ही सिंपल और इजी बना सकते हैं। सो दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते होंगे जो आपकी नॉर्मल लाइफ में आप बहुत सारे बोलते होंगे, इस चीज पे आप कभी फोकस करिएगा, जैसे कि मैं आज गाना नहीं गाना चाहूंगा, मैं इस नदी में नहीं नहाना चाहूंगा, वो आज खाना बनाना चाहेगी, वो आज कुछ स्पेशल खाना बनाना चाहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही चीज कॉमन है, चाहूंगा, चाहेगी या फिर चाहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और इनके लास्ट में हम लोग चाहे इस तरीके से जो भी है लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं और उसी जगह पर हम लोग वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल्स मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज भैया जी भाभी जी के लिए गाना गाना चाहेंगे, सो टुडे भैया जी वुड लाइक टू चाहेंगे तो टुडे भैया जी वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग फॉर भाभी जी, ओके। इसी तरीके से कुछ एक और भी एग्जांपल, जैसे कि अब भारतीय युवा रोजगार के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहेंगे, या अब भारतीय युवा सरकार के खिलाफ रोजगार के लिए आवाज उठाना चाहेंगे, सो नाउ अब भारतीय युवा, सो नाउ इंडियन यूथ, ओके, नाउ इंडियन यूथ, भारतीय युवा को इंडियन यूथ ही बोल सकते हैं हम लोग, नाउ इंडियन यूथ वुड लाइक टू राइज देयर वॉइस, ओके, आवाज उठाना मतलब क्या, राइज देयर वॉइस, नाउ इंडियन यूथ वुड लाइक टू राइज देयर वॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ओके, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके, तो किसके विरुद्ध में, किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध में, सरकार के खिलाफ। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसका बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर लिया, नाउ इंडियन यूथ वुड लाइक टू राइज देयर वॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके। इसी तरीके से कुछ एक और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि माता कैकेयी राजा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहेंगी, सो वहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, माता कैकेयी वुड लाइक टू चाहेंगी, वही चीज कॉमन है, सो माता कैकेयी वुड लाइक टू सेंड राजा राम, ओके, टू एग्जाइल, वनवास भेजना को हम लोग एग्जाइल करके बोल सकते हैं, सो एग्जाइल, टू एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स, 14 वर्ष के लिए, ओके। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं अब तुम्हारे घर वापस दोबारा कभी नहीं आना चाहूंगा, सो आई वुड नेवर, ओके, आई वुड नेवर लाइक टू कम बैक टू योर होम, ओके, अगेन इस तरीके से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे और भी थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए, जैसे ये लाचार महिला अपने शराबी पति को सबक सिखाना चाहेगी, सो दिस लाचार महिला को हम लोग बोल सकते हैं, लाचार महिला मतलब हेल्पलेस बोल सकते हैं, ओके, सो दिस हेल्पलेस वुमेन वुड लाइक टू, दिस हेल्पलेस वुमेन वुड लाइक टू सबक सिखाना, टीच अ लेसन, ओके, ऑफ हर ड्रंकर्ड हस्बैंड, और अपने शराबी पति को, सो दिस हेल्पलेस वुमेन वुड लाइक टू टीच अ लेसन ऑफ हर ड्रंकर्ड हस्बैंड। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बहुत ही सिंपल वे में हम लोग वुड लाइक टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी एक कुछ एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, जिसमें जिससे जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा और उसको बहुत ही हम लोग इस तरीके से जितनी भी सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम हेल्पफुल होने वाली है ड्यूरिंग द राइटिंग्स, ओके, ड्यूरिंग द स्पीकिंग, हर कुछ के लिए बहुत ही आप इसको इन सारी चीजें, वो बहुत ही छोटी छोटी सी और बेसिक चीजें हैं जिनका यूज करके आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को आउटस्टैंडिंग सा बना सकते हैं। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।